ऊंचाहार विधानसभा के बाबूगंज में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायबली सांसद के प्रतिनिधि केएल शर्मा रहे। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अतुल सिंह, जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी को सैकड़ों महिलाओं ने राखी बांधी व आशीर्वाद दिया। केएल शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे आयोजनों से भाईचारे का संदेश जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अतुल सिंह हमेशा सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, जो कि बेहद अच्छा है, एवं उनके द्वारा हुआ बेरोजगारी पर भी सरकार पर प्रहार किया गया। साथ ही पूर्व प्रत्याशी अतुल सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है, आप सभी बहनों का आशीर्वाद हम सबको मिला, हमारे लिए बड़ी बात है। इस अवसर पर मुख्य रूप से वरिष्ठ नेता निर्मल शुक्ला, विधानसभा प्रभारी महेश शर्मा, डीएन पाठक, शिव कुमार पांडे, शंभूपाल, शैलेंद्र सिंह, रामदत्त पांडे, राकेश यादव, रामजीवन यादव, धीरेन्द्र यादव, रोहित सिंह, रेखा विश्वकर्मा, ममता पाली आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ। बंद खाने का कोई अधिकार नहीं है, उनको अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो पैकेट बंद आटा ले लेंगे, पैकेट बंद चावल ले लेंगे, तो उनके ऊपर GST लग जाएगा, ठीक है। तो क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि भाई अच्छा चावल खा सके? तो आप अपना GST उसके ऊपर वापस लीजिए, जनता को राहत दीजिए। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपको सारा चीज़ों का, तेल के भाव आप देख लो, खाने के तेल के भाव देख लो,